Good morning everyone, welcome to online classes. Today I am going to explain exercise 3.1. Exercise 3.1, question number 1. Identify the numbers that are perfect squares in the following number. That means कि जो नीचे दिया हुआ है, जितने भी numbers दिए हुए हैं, उसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा perfect square है और कौन सा perfect square नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा, 24 एक perfect square नहीं है. ठीक है, क्योंकि 6 6 3 3 9 4 4 16 5 5 25. ठीक है, तो 25 है, 16 है और उसके बीच में कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. बी 8 8 64 64 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है. 270 आप स्क्वायर देख लो, 270 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 400 यस मैम, तो 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसमें से आप चूज कर लो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर. ठीक है, ये जो कुछ स्क्वायर्स दिए हुए, वो पूछा कौन सा स्क्वायर है जो ऑड नंबर का स्क्वायर है. मेरे एक प्रॉपर्टीज था कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ऑड ही होता है. तो 169 क्या है, ऑड है. दैट मीन्स क्या होगा, ये ऑड नंबर का स्क्वायर होगा. 121 क्या है, एक ऑड नंबर है. तो ये क्या होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर होगा. ठीक है, ये एक इवन नंबर है तो ये एक ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं होगा. ये क्या है, 440, ये भी एक इवन नंबर है तो ये भी क्या होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं होगा. 529 ऑड नंबर है तो ये क्या होगा, एक ऑड नंबर का स्क्वायर होगा. क्लियर है. अब सेम क्या है, इसी तरह पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स. ठीक है, इवन नंबर, तो जो इवन नंबर होगा वो इवन नंबर का स्क्वायर होगा, है ना. नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब जो भी नंबर दिया है उसको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर. अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है तुम्हारा, क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर. स्क्वायर पूछ रहा है तो यहाँ पे कोई भी मेथड यूज नहीं किया हुआ. ठीक है, तो अब हम लोग कॉलम मेथड या फिर डायगोनल मेथड, ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए, 29 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो हम लोग क्या पहले यूज किए, कॉलम मेथड. ठीक है, आप डायगोनल मेथड भी यूज कर सकते हो. तो 29 में 2 को क्या ले लिया, ए, एंड 9 को बी. ठीक है, कॉलम 1, ये कॉलम 2 हो गया हमारा और ये कॉलम 3. ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला है. तो ए के प्लेस में क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू ए, यानी ए के प्लेस में 2 इंटू बी, 2ab, और 9 का स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर. हम 2 2 जो 4 2 2 जो 4, 9 जो 36, एंड 9 9 जो 81. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 81 का 1 ले लिया. ठीक है ना, अब क्या रेस्ट बचा मेरा, 8. तो 8 को 36 में ऐड करते हैं तो क्या होगा, 14 का 4 1 एंड 44. ठीक है, 44 का 4, ये 4 ले लिया और ये कैरी मेरा रहा. अब इसको नेक्स्ट इस पे ऐड करेंगे, अरे ये क्या आ जाएगा, 8. तो 29 का स्क्वायर क्या जाएगा मेरा, 841. अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 250 का स्क्वायर निकालना. तो क्या किया हमने, पहला कॉलम मेथड यूज़ किया, नेक्स्ट हम लोग डायगोनल मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, डायगोनल मेथड की इसमें नंबर 250 में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, 0 है. तो हम लोग क्या, 3 कॉलम एंड 3 रॉ ड्रॉ करेंगे. देखिए 1 2 3 कॉलम हो गया, 1 2 3 रो है. अब हम क्या, इसको डायगोनली डिवाइड कर दिया. ठीक है, डायगोनली क्या किया, डिवाइड कर दिया. अब हम लोग क्या करेंगे, 250 इधर भी लिखेंगे और 250 इधर भी लिखेंगे. अब सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जो 4. तो हम लोग पहले 0 लिखेंगे, देन 4. ठीक है, अब देन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जो 10. तो हम लोग इस तरह 10 लिखेंगे. ठीक है, और 2 इंटू 0 तो क्या होगा मेरा, 0. तो हम, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों लिखेंगे. ठीक है, तो सिमिलर हमने क्या किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 5 को 2 से किया तो 10 आया, 5 को 5 से किया तो 25 आया, लिख दिया. 5 को 0 से किया तो 0 और 0 लिख दिया. ठीक है, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 0 0. ठीक है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, एंड 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा. अब क्या करते हैं हम लोग, नीचे से चलते हैं ना. ठीक है, पहले सबसे पहले 0 लिया. ठीक है, अब ये भी हम लोग ऐड करते हैं इसको, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, 0. देन हम इसको ऐड करेंगे तो 0. ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 तो क्या होगा, 5 होगा.
देन हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब में जीरो है, सिर्फ क्या बचेगा, टू होगा, ठीक है। तो वन वन प्लस फोर प्लस वन, तो क्या होगा, फोर वन पॉइंट फाइव, वन है वन सिक्स, और फाइनली ये जीरो। तो 250 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, 625 00, ठीक है, 62,500। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर का 37 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर कोई भी मेथड, कॉलम मेथड या डायगोनल मेथड से निकालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव मेरा बोल रहा है विदाउट एक्चुअल एडिशन, ठीक है, ऐड नहीं करना, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, ऐड करके फाइंड आउट नहीं करना, डायरेक्टली इसको फाइंड आउट करना है कि क्या ये किसका स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ ये क्या ऑर्डर, जितना भी 1, 3, 5, 7 और सब क्या कंसेक्यूटिव में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी जैसे तुम्हारा है 1, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ डिजिट क्या, 5 है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं ये 5 का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 5 5 जा 25। अब देखते हैं 9 and 1, 3 and 1, 4, 4 and 9, 4 and 5, 9, 9 and 7, 16 and 16 and 9, 25, ठीक है, ये क्या हो गया 25 का स्क्वायर। तो सिमिलर जितने भी और क्वेश्चन है आप लोग इसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, पहला क्या दिया, 1 into 3 plus 1 is equal to 2 का स्क्वायर, तो 3 1 3 plus 1 4 4 is equal to 2 का स्क्वायर है ना। अब क्वेश्चन नंबर टू, उसी का सेकंड क्या है, 11 into 13 plus 1, तो 11 into 13 क्या होगा, 143 एंड 1 to 43 plus 1 144, यानी कि ये क्या होगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स तुम्हारा सॉरी सीध क्या है, तो सी होगा 17 3 24 is equal to 18 का स्क्वायर। सिमिलर आप लोग क्या कीजिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे है उसको कंटिन्यू कीजिएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।